मैं हूँ शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल पर। तो आज मैं आपको मिक्स दाल बनाना बताऊंगी, एकदम ढाबे स्टाइल का, बहुत ही अच्छा। तो इसके लिए मैंने लिया है अरहर दाल, अरहर दाल मैंने 1 कटोरी लिया है, और चना दाल लिया है, ये मैंने आधे कटोरी से भी कम लिया है, और बाकी का ये मूंग दाल है, इसे भी मैंने आधे कटोरी से कम, और ये मसूर दाल है। आप मिक्स दाल में इन चारों दालों के अलावा और भी दाल ले सकते हैं, जैसे उड़द की दाल भी आप ले सकते हैं। तो इन चारों दालों से मैं आपको बनाना बताऊंगी मिक्स दाल। तो पहले इसे हम धो लेंगे। अभी इन चारों दालों को मैंने धो लिया है, अब हम गैस पर कुकर रखेंगे और गैस ऑन कर देंगे और एक एक करके सारी दाल को डालेंगे। अभी यहाँ पे मैं मूंग की दाल डाल रही हूँ, तो ये मूंग दाल डाल दिया मैंने। अब मैं डालूंगी मसूर की दाल, अरहर की दाल, और अब हम इसमें चना दाल डाल देंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर दाल के लिए मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, और अब हम इसमें 1/2 स्पून के करीब घी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इससे दाल हमारा बाहर नहीं आता है और घी डालने से दाल का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसे बंद कर देंगे। और 4 सीटी लगा लेंगे हम दाल में। 4 सीटी लगने के बाद दाल हमारी अच्छी तरह से उबल गई है, अब हम इसे छौंक लेंगे। तो दाल छौंकने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर कटे हुए प्याज, टमाटर, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, नमक, धनिया पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च और राई। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। जब कढ़ाई गरम हो जाएगी तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। तो अभी घी हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई और इसे अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे और इसे भी क्रैकल होने देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, लहसुन, लाल मिर्च और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज, और प्याज का कलर जब तक कि चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे और इसे चलाते रहेंगे। अभी प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर और इसे भी चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब टमाटर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक डालने की वजह से टमाटर पानी छोड़ देगा, जिससे पकने में आसानी रहेगी। और ध्यान रहेगी कि मैंने नमक और हल्दी कहीं और ऐड नहीं किया है, यहीं पर ऐड किया है। तो अगर आप दाल में नमक डालते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम ही ऐड करें। एक जगह मैंने नमक इसलिए डाला है ताकि 2 जगह डालने में नमक का स्वाद गड़बड़ ना हो जाए। तो अब ये अच्छी तरह से पक गया है, तो अब हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा मैश कर लेंगे और उसके बाद से दाल को हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो दाल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया और आप देख सकते हैं कि दाल बहुत ही गाढ़ी है। तो इसमें 1 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो दाल में या तो गर्म पानी ऐड करें, अगर ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं तो दाल को अच्छी तरह से उबाल लें पानी डालने के बाद। तो अब मैं लिड लगा दूंगी और अच्छी तरह से दाल को खौलने के लिए छोड़ दूंगी। तो अभी हमारी ये जो दाल है अच्छी तरह से उबल गई है और अच्छी तरह से पक गई है, तो मैं गैस बंद कर दूंगी। तो अभी हम दाल को हरा धनिया के पत्तियों से गार्निश कर देंगे, और अब हमारी ये दाल बन करके एकदम रेडी हो गई है। अगर आप चाहें तो दाल में 1 चम्मच ऊपर से घी डाल दें। यहाँ पर मैंने जहाँ भी घी ऐड किया है आप उसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी ऐड करने पे दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी लग रही है देखने में, उतनी ही खाने में स्वादिष्ट होती है ये दाल। आप इस दाल को रोटी, चावल या बाफला के साथ खा सकते हैं, यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
तो एक बार आप भी इस तरह से दाल बना करके जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको हमारी ये मिक्स दाल बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।